अब दिखा मुझे अरे यहाँ यार बढ़िया है। संसार देख के भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, इंसान हो ना। बगीचे के ऊपर पर से हम तो रहते हैं इधर। उधर गांव है? हाँ गांव है हमारा। अच्छा, हाँ हमें तो कोई आबादी नजर नहीं आई। थोड़ा दूर है, उधर रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। बस भाई जगह देखने तो गाड़ी देखी हम चले आए। सही 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 सही। अंधेरा होने से पहले आप चले जाए तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इधर की खतरनाक जगह है। नहीं जगह है तो खौफनाक, डर तो लगता है आते हुए, डर तो लगता है। एक दिन इधर से आदमी कोई आ रहा है मोटरसाइकिल पे, उसकी ऐसी ऐसी आते आते उसे ही दरखुस ने उसको उठा लिया ऊपर से, मोटरसाइकिल भी उठा दिया और आदमी को भी उठा लिया ऊपर। बंदा समेत मोटरसाइकिल समेत ऊपर उठा लिया। किस चीज में उठाया, क्या देखा? हाँ उठाया, लेकिन इनके लिए वो इमली का दरख्त था सिर्फ। दरख्त था, आपने देखा ही है? हाँ यार, जरा फासले पे ना खड़े हो, करीब करीब रहो, इतना दूर ना खड़े हो भाई। सारे करीब हैं, करीब हैं, सब करीब। आप भी तो यहाँ पे आ गए हो, अगर इतना खौफ होता तो आप क्यों आते हैं यहाँ पे? हमने अपनी गाड़ी देखी इसलिए हम आए। साहब शायद ऐसे कोई वास्ते वाला हो या दोस्त सेट का हो या रिश्तेदार उसका हो, उससे हम बताने आए। देखा नहीं हमने किसी को, हमने शाम से किसी को देखा नहीं है। तो इमली उमली तोड़ने, कोई फल वल तोड़ने भी कोई नहीं आता? नहीं नहीं, ऐसे कैसे आ सकते हैं सर? बस ये ऐसे ही लगे हुए, ऐसे लगे हुए, क्यों हम घर से इधर आ ही नहीं सकते? सुनी मुझे इनसे बात के दौरान दो बार आवाज सी आई, इसलिए मैं कह रहा हूँ करीब करीब रहो जरा। क्यों भाई, मकान बहुत पुराना है सर। जंगल में से आवाज आ रही है सच्चा, जानवर जैसी। बढ़ गई ना। एक अजीब सी गूंज है। क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी हरकतें हैं, हम बड़े भी गए लेकिन इसमें हरकतें बहुत है, इसमें आप छोटे नहीं जाए तो अच्छा होगा। खतरनाक सर ये मुझे कही है। हुआ क्या? तो आया नहीं है इनको, सिर्फ तंबी करके चले गए कि आप नहीं जाना है। आपकी रखवाली तो ऐसी हुई भी जैसे कि सैकड़ों लोग इसके रखवाली तो हो सकता है। दिन में आगे काम करते हो शिराज भाई, दिन में आगे काम करते हो। वाकया रात को हुआ था, मगरिब के बाद हुआ था मोटरसाइकिल वाला। हाँ फर्स्ट टाइम सुनी है इतनी जंगल में ऐसी। हम तो आदि हो चुका है, तो अपने पास इकट्ठी कई सुधे, ये पूरी फौज होगी, ये अकेले नहीं आती, झुंड होता है इनका। तीन तो हैं। मजीद करीब आएंगी। हम तो यही बोलते हैं जब चले जाए तो अच्छा होगा। यार हम बहुत दूर से आए हैं, हमको 2-3 घंटे का सफ़र कह करके आए, उससे भी ज़्यादा। सर ऐसा भी है ना, कल अलानक ऐसा आपको हो जाए तो कुछ सको फिर। सिर्फ और सिर्फ ये खामोशी और ये जगह एक बार दिखाइएगा। और एक बार बताऊँ दादा, कब मगरिब की अजान हो गई, कब इशा की अजान हो गई, हमें आवाज़ नहीं आई यहाँ। अजान की आवाज़ तो यहाँ पे नहीं आई सच्चा, और हम तो नदी से गुराव करके आए यार, यहाँ आवाज़ नहीं आई है यार, ये गड़बड़ है। आई मगरिब क्या, यही थे ना हम लोग? नहीं, 6:45 होती है ना, 6 में 5 कम 10 कम, आवाज़ आई अजान की? नहीं सच्चा, आवाज़ ही नहीं है, कोई घर दिख रहा है, कोई लाइट दिख रही है आपको? यार ये अच्छी बात नहीं है, ऐसी जगह जहाँ अजान की आवाज नहीं जाती है। डिस्टर्बेंस है अंदर, कुछ ना कुछ हो रहा है, हो रहा है, मुसलसल टक टक मुसलसल कान, कुछ ना कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये कोई बहुत बड़ी मशीनरी चल रही है। सुना है ना? बिल्कुल। और ये बात मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम जाए नहीं जाए अंदर रात को। यार मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आप में से किसी ने एक ने भी ये कह दिया ना कि वापस चले, मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाऊंगा यार। साहब भी बहुत दूर है, यही बात है, बहुत यही बात है सारी यार। मैं तो कहता हूँ यार आप भी रुक जाओ हमारे साथ, कोई ऐसी बात नहीं, साथ साथ ही, और भले अंदर भी चलो साथ। नहीं सर हम आपके साथ नहीं चल रहे, हम डरते हैं, हम आपको बताने के लिए आए, सब ऐसे ऐसी हालत से आए, हम डर डर के इधर पहुँचे हैं। मोहब्बत है इस टाइम पर हमें सवारी देख के आए हैं हमें मदद के लिए कि आप चले जाओ, अब हो गया अंधेरा, अब हो गया।
कोई सी रूम मौजूद नहीं है यार हमारे अलावा, और वो इतना जाम हिल कैसे रहा है वो? हम आपको मना कर रहे हैं, आप मेरी बात मान लो, आप चले जाओ, अंधेरा हो गया है। मुझे तो उस समझ में नहीं आ रहा, मैं तो खौफ जंगल का खौफ ही महसूस कर रहा हूँ। हाँ भाई जी, आप एक मेहमान नवाजी के तौर पर, एक इंसानी हमदर्दी के तौर पर आए हैं। ये कैसी आवाज़ थी? ये वही है। एक इंसानी हमदर्दी के तौर पर आए हैं। ये कैसी आवाज़ थी? ये वही है, तहखाने का जो जैसे कोई स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहा है। मैंने दो दफा नोट किया है का गेट है जो सही कह रहे हैं आप, वो है तहखाने का। तहखाने का कमरा लात मारो तो कुछ इसी किस्म की ऐसी आवाज थी। खाने का दरवाजे पे पाँव मार रहा था और जब मैंने उसको खोला है तब ऐसी आवाज आई। वही तो कह रहा हूँ मैं आपको। और कोई कौन सा लोहे का गेट, कौन सा ये बाहर का, ये इतनी आवाज ये करेगा? मैं जा रहा हूँ। अब ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया? नहीं बस भाई मैं जा रहा हूँ, हमें तो बता दो। नहीं नहीं सर बस मैं जा रहा हूँ। ठीक है चले जाना, लेकिन क्या मतलब क्या कर दिया? हेलो ओ भाई हमारी बात तो सुन लो। अरे भाई क्या हो गया? जाने दे साहब, इससे पहले किसके साथ कुछ और हाँ। और ये मुझे भी लग रहा है कि शायद हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। देखा नहीं खोलना था यार, उस पे कोई ताले थोड़ी लगे हुए थे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये बंदा आगे जाके गायब हो जाएगा। अल्लाह ना करे, खैर वो अंधेरा भी है शिराज भाई। अल्लाह ना करे, मुझे नजर नहीं आ रहा। आप लाइट दीजिएगा सुहेल भाई जी। मैंने उसकी आंखों लाइट दीजिए, कुछ नजर नहीं आ रहा अंधेरे में। खूब बिल्कुल खूब बंदा, मुझे बहुत खौफ आ रहा था इसकी आंखों से ना। आपने बताया नहीं कि सब भूल गया मेहमान नवाजी हमने, ये सुना? इसने बताया नहीं कि सब भूल गया मेहमान नवाजी हमने, ये सुना? सज्जद भाई ये करीब ही आ रहे हैं। आप चाबी कहाँ गाड़ी की? चाबी आपके पास है? साथ रहना सारे। ये मुझे बताओ कौन है, बताएं मुझे कौन है उधर, बताएं शराब जात कोई भी नहीं है। मैं कहता हूँ बड़ी बात नहीं करता, किसी की जरूरत नहीं होगी इस टाइम पर अंदर जाके दिखाए कोई। ये कौन था जी? जात ये इंतहाई जानवर की आवाज है यार, कुछ अजीब मखलूक की आवाज है यार। सुन भाई सांस, ये सुबह कहाँ जा रहे हैं? ये मुझे वही तहखाना लग रहा है, ये मुझे लग रहा है क्योंकि वो आप देखे ना हाइट। और पता है क्यों बार बार से इसी तरफ से आवाज़ आ रही है? सुनो मेरी निगाह भी इसी तरफ जा रही है। देखें हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने की नीयत से नहीं आए, हमने कोई ताला नहीं तोड़ा अंदर, किसी चीज़ को तोड़ा नहीं, बस सच्चा दरवाजे पे से लग रहा कोई खड़ा हुआ है। कौन से दरवाजे? कौन से दरवाजे? मेन दरवाजे ना कर यार शिवा, मैंने भी पहले नोट मुझे महसूस हो रहा था कुछ ऐसा लगा कोई, जिससे सुहेल भाई की लाइट आई और मैं मुसलसल कैमरा यहीं रखा हुआ था मैंने। ये क्या हवा की आवाज़ आ रही है अंदर से? बोलने की आवाज़ें आ रही हैं अंदर की है भाई। यार वो आवाज़ सुनी थी साहब भाई, खुद हैरान हो रहा था कि शायद तुम लोग रुक जाओगे, लेकिन तुम लोगों ने इतनी जल्दी मचाई। मतलब पहले तो लोग हमें बता देते थे, ये तो बहुत बाद में आया, तहखाना खुलने के बाद आया है। खुला हुआ था सुहेल भाई, खोला है मैंने। नहीं किस तरीके से खोला था? बहुत आसानी से खुल गया था वो? नहीं आसान, इससे तो नहीं खुल रहा था वो। फिर मुझे जिस तरह से बंद था ना, मुझे पुरसरार लग रहा था वो। हाँ था, जाम हो गया था, बरसों से बंद हुआ। मैंने भी खोला है मुझे पता है। ये आपकी जगह है, आप रहें, हम सिर्फ मिलने आए हैं आपसे बहुत दूर से। सज्जद भाई ये काफी सारे गिदड़ किधर हैं? किधर पीछे किधर हैं? रिकॉर्ड हुए इस जगह में, इस जगह में, इस पेड़ के पीछे रिकॉर्ड हुए शायद। मैंने कैमरा है ना, मैंने उधर चमकता हुआ देखा कुछ। जी जी आंखें चमकती हैं सज्जद भाई उनकी, काफी सारे थे ये। लाइट से भागे ये? जी जी साथ रहना। बिल्कुल खामोशी से करीब आके एकदम हमला करते हैं, तो साथ रहना, बीच में रहना, साथ रहना। इनके कदमों की आवाज भी नहीं आती आपको? अच्छा ठीक है, अगर हमसे गलती हुई है वो तहखाना खोल के, तो हम दोबारा बंद कर देते हैं। एक कह रहा है गलती कर ली तहखाना खोल के, दूसरा अंदर करीब नहीं आने दे रहे।
इधर से भेड़िए करीब आए हुए हैं यार, कुछ नजर आ रहा है अंधेरे में? नहीं पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर हम ऐसे वापस गए तो हम भी ऊपर उठे हुए होंगे दरख्तों में। हाँ यार, हर तरफ का खतरा मौजूद है यहाँ पे, तो 1000% 4000% से भी ज्यादा खतरा मौजूद है यहाँ पे यार। बिल्कुल, रिस्क लेवल तो हर लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे लग रहा है कोई हमारे साथ ही चल रहा है, हमारे पीछे गाड़ी में कोई नहीं है। ये इंसानी बन जाए, जानवर का तो नहीं लग रहा मुझे। कैसे निशान है? इंसानी भी नहीं है भाई ये। तो लाइट अटा।